तो यहाँ पर हमें एक सीरीज दे रखी है और इस सीरीज की हमें कन्वर्जेंस प्रेडिक्ट करनी है कि ये कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए नॉर्मली हमारे पास दो या तीन टेस्ट को हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं टेस्ट तो और भी होते हैं जिसमें सबसे कॉमन टेस्ट होता है रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट और लिमिट टेस्ट अगर हमारी सीरीज जो है वो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है यानी कि अगर हम लिखें, दिस इज दिसन ए एन तो यहां पर जो ए एन का रोल प्ले करेगा वो होगा एन रेस्ट टू पावर माइनस टू टू रेस्ट टू द पावर एन तो यहां पर हमें ए एन पता चल गया है रेशियो टेस्ट में हम क्या फाइंड आउट करते हैं या क्या ई करते हैं लिमिट एन टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस वन और अगर ये लिमिट एल है और एल जो लिमिट है वो ग्रेटर देन वन आती है तो इस केस में सीरीज कन्वर्ज करती है अगर एल लेस देन वन आती है तो इस केस में सीरीज डाइवर्ज करती है और अगर एल इक्वल टू वन आता है इस केस में टेस्ट फेल हो जाता है मतलब हम ना तो ये कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी हमें उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना होता है ऐसे ही रू टेस्ट क्या है लिमिट लिमिट ऑफ़ ए एन एन टू अपॉन इसकी जो है है अगर ये एल और एल किस तरह से अगर ग्रेटर अगर लेस देन वन होगा तो ये कन्वर्स करेगी अगर एल ग्रेटर देन वन होगा तो ये डायवर्स करेगी और एल इक्वल टू वन पर भी ये टेस्ट भी फेल हो जाता है लेकिन जो लिमिट टेस्ट है वो अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो उसके लिए आसानी है कि अगर कन्वर्जेंट है तो जरूरी है कि उसकी जो n है यानी कि सिक्वेंस है UN या AN, उसकी लिमिट हमेशा होगी। अगर नहीं आती है तो हम कहेंगे कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है क्योंकि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म कर रहे हैं तो उसके दो ही नेचर होंगे क्या तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट ऑसिलेटरी या कोई अदर बिहेवियर सीरीज का नहीं होगा तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं यहाँ पर जो ए एन हमें गिवन है वो दे रखा है 2 रे टू द पावर माइनस n सॉरी ये दे रखा है n रे टू द पावर माइनस 2 ए एन जो हमें गिवन है वो दे रखा है n रे टू द पावर माइनस 2 एंड 2 रे टू द पावर n जब भी पावर में आपके n इन्वॉल्व हो कोशिश करें कि आप उसमें रूट टेस्ट अप्लाई करें और जो रूट टेस्ट है वो रेशियो टेस्ट से पावरफुल है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रूट टेस्ट आपको डायरेक्ट कन्वर्जेंस बता देता है किसी भी सीरीज की लेकिन जो रेशियो टेस्ट है वो उसकी कन्वर्जेंस प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है तो हम इसमें रूट टेस्ट अप्लाई करने जा रहे हैं रूट टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें ये इवेल्यूएट करना होगा ए एन रेश टू दावर वन अपॉन एन और इस तरह से हमें जो एक्सप्रेशन मिलता है वो क्या मिलेगा एन अगर हम इस तरह से इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलेगा एन रेस्ट पावर माइनस टू अपॉन एन इन टू टू इस टू को क्योंकि ये है, आप आउटसाइड ले सकते हैं तो ये हमें हम इसको लिख सकते हैं टू इंटू लिमिट एन टू इंफिनिटी एन रेस्ट टू दावर माइनस टू अपॉन एन हमने पढ़ रखा है लिमिट एन टू इनिटी एन रेस्ट पावर वन अपॉन एन इसकी लिमिट वन होती है और अगर ये कंसेप्ट अप्लाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं लिमिट टू इसको लिख सकते हैं एन रेज टू दावर वन अपॉन एन रेज टू द पावर माइनस टू और अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये लिमिट टू वन हो जाएगी यानी कि टू इन टू वन रेस्ट टू द पावर माइनस टू वन के पावर कुछ भी हो आपको वही मिलता है तो टू इंटू वन यहां से हमें पता चलता है ये टू आएगी लिमिट और जो टू है वो वन है अब यहाँ पर याद रखें ग्रेटर देन वन है रूट टेस्ट में अगर लिमिट ग्रेटर देन वन आती है तो उस केस में आपकी जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट होती है तो यहां पर जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्जेंट है